डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विधाता जी एस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग का इंतजार समाप्त होता है क्योंकि आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट का। तो वो रिजल्ट अब आ चुका है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, उससे संबंधित सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इससे संबंधित पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पहला जो आपको रिजल्ट जो जारी किया गया था, तो 20 मिनट रिजल्ट जारी करना था, लेकिन क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसमें जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था, ठीक है ना, तो उसका कई बार रिजल्ट जो है इसे रिपीट किया था कई जगहों पर, ठीक है ना। तो जिसके कारण से नए बच्चों का और मौका नहीं मिल पाया था और काफ़ी लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ था। इसके विरोध में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके कारण से फिर आरआरबी एनटीपीसी ने स्वीकार किया था कि हम इसे फिर से सुधार करके रिजल्ट को जारी करेंगे। तो वही रिजल्ट आ चुका है। तो देखेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स कि आपको, देखिए आपका जो जो न्यू जो नया वाला जो रिवाइज स्कोर कार्ड आया है, उसे कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है ना। स्कोर कार्ड को आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें हम आप लोग बताएंगे कि सभी जोन का कैटेगरी वाइज आपका कटअप, ठीक है ना, कटअप को कैसे देखना है, और उसके बाद लेवल वाइज आपका जो रिवाइज रिजल्ट है उसे कैसे चेक करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए लेवल 1 लेवल 2 बहुत सारा लेवल है, ठीक है ना, तो उसके वो बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे फ्रेंड्स कि आपको जो देखिए जो रॉ मार्क्स है, ठीक है, रॉ मार्क्स जो है या फिर रिस्पॉन्स कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है वो बताएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़े करके आप लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग बिहार का प्रत्येक कॉलेज यूनिवर्सिटी का अपडेट पा सकते हैं, क्योंकि देखिए जानकारी का हमें क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग को कभी प्रैक्टिकल छूट जाता है, तो कभी काउंसलिंग, तो कभी एडमिशन, तो कभी एग्जाम, ठीक है ना। तो ये सब सारा जानकारी आप लोग पा सकते हैं, चाहे वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो, या मगध यूनिवर्सिटी हो, या पटना यूनिवर्सिटी हो, या तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है ना, या ललित यूनिवर्सिटी हो, सारा अपडेट पा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेना, ठीक है। गूगल को जब ओपन करेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें आप लोग लिखेंगे क्या, रोजगार रिजल्ट लिख लेंगे। देखिए रिजल्ट देखने का और भी बहुत सारा तरीका, लेकिन मैं आप लोग को सिंपली बता रहा हूँ जिसमें आप लोग आसानी से देख पाएंगे, ठीक है ना। तो रोजगार रिजल्ट आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद जब आप लोग लिख करके जब सर्च करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। मैं पहले से यहाँ पर रोजगार रिजल्ट लिख करके सर्च कर दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, देखिए तो एक पेज खुलेगा। तो देखिए ये जब पेज खुलेगा फ्रेंड्स, तो देखिए उसको स्क्रॉल करके ऊपर थोड़ा सा जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिवाइज रिजल्ट 2022 लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर दिए, तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हम आपको स्क्रॉल करके ऊपर में बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड डाउनलोड रिवाइज मार्क्स या स्कोर कार्ड, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, और सर्वर 1 और सर्वर 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो देखिए सर्वर 1 पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए क्या खुलता है बताते हैं आप लोग का। तो सर्वर 1 से आप लोग क्लिक करके जब डाउनलोड करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे रोल नंबर मांगेगा, तो रोल नंबर आप लोग डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ डालने में काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं 21/93, ठीक है, तो 21 डाल दिए, ठीक है। अब देखिए 21 डाल दिए, तो अब देखिए यहाँ मार्च 2022 है, अब 93 तक जाने में देखिए हमको बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए अभी 21 है, देखिए 20 आया। इस तरह से आप लोग नहीं चेक करेंगे, आप लोग क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी आप लोग को चेक करने का माने, तो देखिए यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, और फिर देखिए वाला यहाँ पे इसमें डाल देंगे, और इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आप लोग को बता देगा। तो देखिए हम आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोग चेक करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सर्वर 2 है ना, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो सर्वर 2 पर आप लोग क्लिक कर दिए, अब देखिए यहाँ पर इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या पंजीयन संख्या जो होता है आपको डालना है। जैसे देखिए फ्रेंड्स हम एक स्टूडेंट का हम यहाँ पर डाल के बताते हैं, ठीक है। देखिए देखिए 1410375183, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर डेट जैसे मान लिया डालना है 23, तो 23 यहाँ पर लिखेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, हो गया। और मंथ, तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ से भी स्क्रॉल करके आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। 11 डालना है तो देखिए यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ईयर में डालना है फ्रेंड्स 1999, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो 1993 यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 1993 आ गया, 1999 सॉरी डालना है, क्योंकि नए मैच करेगा तो फिर आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। ये डाला गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ये लॉगिन पे क्लिक कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये इस स्टूडेंट का ये डिटेल आ गया। अब देखिए यहाँ पर स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो यहाँ पर देखिए हम स्क्रीन को थोड़ा चौड़ा किए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्कोर कार्ड और कैंडिडेट रिस्पॉन्स खुला हुआ है, ठीक है ना। आप लोग जब मोबाइल में देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए एक ऑल लिखा होगा, ठीक है, ऑल लिखा होगा, तो आप लोग इस पर ऑल पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ऑल लिखा होगा उस पर जब क्लिक करेंगे ना, तो देखिए स्कोर कार्ड और ये वाला खुल जाएगा। अगर आप लोग स्क्रीन को चौड़ा करके खोलेंगे तो पहले ही से ऐसे ही खुला रहेगा, ठीक है। तो देखिए स्कोर कार्ड पर क्लिक कर देते हैं, स्कोर कार्ड पे क्लिक कर दिए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर इस स्टूडेंट का पूरा डिटेल आ गया, देखिए यहाँ पर नॉर्मलाइज में स्कोर कितना आया, देखिए यहाँ पर पहले इतना था अब इतना आया, ठीक है। अब देखिए इनका रिजल्ट किसी चीज़ में नहीं हुआ है, ठीक है।
देखिए ये लेवल है ना, लेवल टू लेवल थ्री किसी चीज़ में नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए एक और स्टूडेंट का हम यहाँ पर क्लिक करके आपको बताते हैं फ्रेंड, जैसे देखिए हम बताते हैं आप लोग का 27 10 19 9 3 2 1। आप लोग बढ़िया से देख ले ठीक है, क्योंकि आप लोग अच्छे से आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको डेट ऑफ बर्थ डालना है 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग 02 भी लिखेंगे तो अपना आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना। अब फिर 7 डालना है, ठीक है। तो 7 आप लोग यहाँ से ले सकते हैं या फिर लिख के भी डाल सकते हैं। 7 हो गया। अब 1993 यहाँ पर डालना है, ठीक है ना, 1993। और देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, अभी थोड़ा सा इसको दिखने के बाद बताएंगे कि आप लोग कैसे कैटेगरी वाइज सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो 1993 हो गया। अब यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर दिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम इस रोल नंबर डालने के लिए इसलिए हम डाले थे कि आप लोग कभी अपना रोल नंबर डालेंगे तो इस तरह का पेज आ जाएगा, इधर वाला, ठीक है ना। इस पर क्या करना फ्रेंड्स, इसको देखिए आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो देखिए रिफ्रेश होने के बाद खुल गया कि नहीं, ठीक है। इसी कारण से हम डाले थे ताकि आप लोग ऐसा आएगा तो आप लोग गड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है ना। ये देखिए खुल गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ स्क्रॉल कार्ड पर क्लिक कर देते हैं, आप लोग वहाँ पर ऑल आएगा तो उस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए इनका भी जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, देखिए किसी चीज़ में नहीं हुआ, ठीक है। अगर जिसमें अगर रिजल्ट होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहेगा यस, ठीक है। यहाँ पर नो लिखा हुआ ना तो यस रहेगा, अगर रिजल्ट आप लोग को हो गया होगा तो यहाँ यस लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इनका भी रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब देखिए ज़्यादा चेक करके नहीं बताएंगे ताकि आप लोग, और देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोग इस तरह से जब चेक करेंगे तो किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट का क्या आ जाएगा, चाहे आपका आपका भी आ सकता है, लिखा आएगा फ्रेंड्स कि डियर कैंडिडेट्स योर स्कोर कार्ड विल बी मेड ए, क्या लिखा रहेगा, ठीक है, अवेलेबल शॉर्टली, ठीक है ना। प्लीज़ यूज इट आर आर बी, विजिट 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 आर आर बी वेबसाइट फॉर मोर अपडेट्स इन द रिगार्ड, ठीक है। आपको कह रहा है फ्रेंड्स कि आपको देखिए थोड़ा सा बहुत जल्द आपका जो रिजल्ट है इसे जारी कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग जो आर आर बी की साइट है उस पर आप लोग देखते रहें या विजिट करते रहें, ठीक है ना। इस तरह का आ जाएगा तो आप लोग घबराएंगे नहीं या फिर घबराएंगे नहीं, आप लोग आज से कल तक जो भी होगा आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम जानकारी आप लोग देना जरूरी समझे, कहा कि इस तरह का आ जाता है कोई नहीं बताता तो फिर स्टूडेंट्स होते हैं क्या ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो देखिए हम सारा बात बताएंगे, एक एक डॉट आप लोग को क्लियर कर देंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए हमको, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि देखिए अब जो रिवाइज जो स्कोर कार्ड जो आया है उसको कैसे डाउनलोड करना और रिजल्ट को कैसे चेक करना और कैटेगरी वाइज जो आपका कटअप है वो कैसे देखना है, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेक रीजन वाइज रिवाइज रिजल्ट, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर्वर वन दिया हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे, सर्वर वन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सर्वर वन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका जोन वाइज यहाँ पर आ जाएगा सारा रिजल्ट, देखिए आर आर बी अहमदाबाद का आ गया तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स देखिए आर आर बी कोलकाता का है तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए देखिए रिवाइज रिजल्ट लिंक है तो यहाँ से क्या होगा, रिजल्ट यहाँ से चेक होगा ये वाला बॉक्स से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिवाइज कटअप, यहाँ से क्या होगा, कटअप आपको डाउनलोड होगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको रिजल्ट पहले चेक करके बताते हैं, जैसे जैसे देखिए हम कलकत्ता का आप लोग चेक करके बात कर बताते हैं, ठीक है ना। तो लेवल टू का देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए डाउनलोड का यहाँ ऑप्शन आ गया, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ओपन कर लेते हैं पीडीएफ को, देखिए फ्रेंड्स तो लेवल टू का ये जो रिजल्ट जारी आया है फिर से किया गया है, तो देखिए कितने स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप अपना देखेंगे अगर कलकत्ता जोन में आपका होगा कि आपका हुआ है कि नहीं, ठीक है, और अपना देख लेंगे कौन सा लेवल में आपका एग्जाम था, ठीक है। तो देखिए अगर याद नहीं रहेगा फ्रेंड्स तो क्या होगा ना, आपका सभी लेवल में चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या करना है, यहाँ पर देखिए सर्च बार है, इसमें आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पर आप एक रोल नंबर डाल के बताते हैं, देखिए 22 11 94 27 0 777 257। देखिए कह रहा है कि नो मैच फाउंड, यानी कि आपका रिजल्ट जो भी स्टूडेंट का ये जो रोल नंबर है फ्रेंड्स तो उनका देखिए रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। ठीक है ये हो गया आपका। अब देखिए और दूसरा चेक करके बताते हैं, जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम डालते हैं 22 11, जब रिजल्ट होगा तो वहाँ पर आपको ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना, जो भी रंगीन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। 22 11 91 16 0 31, ठीक है, 66 75। तो देखिए फ्रेंड्स आपका ये जो है इस स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट हो चुका है, देखिए यहाँ पर है। इस तरह से आप लोग चेक करेंगे तो आपका कोई भी जोन होगा, ठीक है, कोई भी लेवल का होगा तो सारा आपको पीडीएफ इस तरह से डाउनलोड करना है और आपको चेक कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए आपको कटअप हम बताते हैं, देखिए फ्रेंड्स अब देखिए हम यहाँ पर कलकत्ता का बताएं ना, अभी आप लोग का जैसे देखिए यहाँ पर कोलकाता का बताएं तो देखिए अब आप लोग को लेवल टू में मान लिया कि नहीं है, ठीक है। तो लेवल थ्री में चेक कर लें, लेवल फोर में चेक कर लें, आप लोग सबको वीडियो डाउनलोड करके उसी तरह से रोल नंबर डाल करके आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और कोई भी जोन होगा जैसे मान लीजिए आपको इलाहाबाद होगा तो उसी तरह से करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिकंदराबाद है ना, यहाँ पर देखिए पटना है, तो सब आप लोग चेक कर लेंगे जो भी जोन
आपका होगा तो वहाँ से आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ पर कलकत्ता का देख रहे थे तो कलकत्ते का ही देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आपका लेवल टू लेवल थ्री जो लिखा हुआ था यहाँ पर देखिए कटअप आपको दिखाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर लेवल टू पर जब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे तो लेवल टू का जो कटअप गया है कितना गया है वो बताएगा। तो देखिए लेवल टू पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए जो PDF डाउनलोड हो गया इस पर क्लिक करेंगे तो PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक किए देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप लोग अपना देख लेंगे कटअप की कितना गया है लेवल टू में एग्जाम का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए UR का जनरल कैटेगरी में गया फ्रेंड्स 68 पॉइंट समथिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए SC कैटेगरी में गया है कितना 59 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और उसके बाद देखिए ST में गया है 50 पॉइंट समथिंग। अब देखिए OBC में गया फ्रेंड्स 65 पॉइंट समथिंग। अब देखिए EWS में गया इतना। ठीक है ना, और उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स इधर में जो दिया हुआ है ये वाला देखिए एग्जाम सर्विस मैन का दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में देखिए इधर में दिव्यांग लोग का होता है। अरे ये हो गया फ्रेंड्स, अब जैसे कि और किसी का चेक करना, ठीक है, जैसे लेवल चार का चेक करना तो लेवल चार पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब खुल जाएगा तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, तब यहाँ पर देख सकते हैं लेवल फोर का यहाँ पर खुल गया है। देखिए देखिए जो आपको जो जनरल कैटेगरी का देखिए यहाँ पर इतना गया है। ठीक है, SC का कितना गया है जो आप लोग देख लें, देखिए SC का इतना गया है, ST का इतना गया है, ठीक है, OBC का इतना गया है, तो आप लोग देख लेंगे। जब आप लोग जो रिवाइज जो स्कोर कार्ड है उसको जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो देख लेंगे कि नॉर्मलाइज करके आपको कितना मार्क्स आया है। देखिए इससे कम रहेगा समझिए कि आपको रिजल्ट नहीं हुआ है। और आप लोग जो रिजल्ट चेक करने का भी बता दिए कि जो आप वहाँ पर PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो राउल नंबर डालेंगे ना फ्रेंड्स तो उसमें तो दिखाएगा कि नो मैच, तो समझिए कि वहाँ से भी रिजल्ट नहीं हुआ। आप लोग कटअप देख के भी संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से आप लोग बारी बारी से सारा चीज़ आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाना बहुत जरूरी समझा कि काफ़ी स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे थे और मतलब कि किसी को नहीं चेक हो रहा था, तो कई लोग जैसे तैसे बता रहे थे तो स्टूडेंट लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा था। ठीक है ना, तो मेरे पास काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे तो फिर हम कहे चलो आप लोग के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि देखिए इस तरह का जो यूजफुल वीडियो है मैं आप सभी के लिए बनाते रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके सभी वोकेशनल के कोर्स का तैयारी कर सकते हैं, जैसे हो गया फ्रेंड्स ANM GNM B Pharma D Pharma पॉलिटेक्निक ITI, ठीक है, लाइब्रेरियन DEDBA आदि कोर्स भी जो भी होता है फ्रेंड्स, तो उसका देखिए एक कैसे तैयारी किया जाता है। ठीक है ना, उसका सिलेबस किया जाता है, सारा चीज़ हम लोग अपने चैनल पर बताते हैं और उसका तैयारी भी करवाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।